بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اياك نعبد واياك نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يا عليم علمني يا عليم علمني يا عليم علمني। तो हमने लफ्ज़ से आगाज़ किया था कि मुंह से हरूफ की सूरत में जो चीज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। फिर इसकी दो किस्में, मौजू मुहम्मल, मौजू बामाना, मुहम्मल बेमाना। मुहम्मल तो चूंकि बेकार है तो हम इससे गुफ्तगू नहीं करेंगे। जो बामाना लफ्ज़ है यानी मौजू, उसकी दो किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद अकेले लफ्ज़ को कहते हैं जो एक माना पर दलालत करता है, और इसको कलीमा भी कहते हैं। और मुरक्कब जो दो या ज्यादा अल्फाज से मिल के बनता है, तो मुरक्कब के हवाले से इंशाल्लाह बाद में गुफ्तगू करेंगे। अभी फिलहाल कलीमा की तीन किस्में हमने पढ़ ली थी। इसम, फेल, हर्फ। इसम की अलामत आपको बताया था याद करने हैं, फेल की अलामत को भी और हर्फ की अलामत को भी, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि चूंकि नहव में ज़्यादातर इसम से बहस की जाती है तो इसम को तफसील से हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि फेल से बहस नहीं की जाती, फेल से भी बहस की जाती है, लेकिन कम। ज़्यादातर बहस होती है, डिस्कशन जो होती है वो इसम से मुतालिक होती है। तो मैंने बताया कि इसम जो है उसकी छः तकसीमात है। पहली तकसीम बैतवार तायुन व आदम तायुन के है, इसको हम पढ़ रहे थे। तो बैतवार तायुन व आदम तायुन इसम की दो किस्में थी, मारिफा नकरा। मारिफा जो है ख़ास चीज़ को कहते हैं, ख़ास इसम को कहते हैं, नकरा आम इसम को कहते हैं। या मारिफा जो किसी ख़ास चीज़ पर मुतायन चीज़ पर दलालत करे, और नकरा जो किसी गैर मुतायन चीज़ पे दलालत करे। तो फिर मारिफा के बारे में मैंने आपको बताया कि सात किस्में हैं, ज़मायर आलम, अस्माई इशारा, अस्माई मौसूला, मुअर्रफ बिल्लाम, मारिफा ब मुज़ाफ या मारिफा ब इज़ाफ़त, मारिफा ब निदा। ज़मायर की फिर किस्में मैंने आपको बताई थी, इब्तदाई तौर पर दो किस्में बनती थी, मुत्तसिल और मुनफसिल। और फिर मुत्तसिल की तीन किस्में बनती थी, मरफू, मनसूब, मजरूर। और मुनफसिल की दो किस्में, मरफू और मनसूब। मरफू मुत्तसिल और मरफू मुनफसिल ये दो ज़मीरें हमने पढ़ ली थी, बाकी ज़मीरें मैंने आपको बता दिया था कि इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे। और इसी तरह आलम के बारे में हमने नहीं पढ़ा, ये वो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। कल हमने अस्माए इशारा के बारे में पढ़ा, कल हमने क्या किया, अस्माए इशारा के बारे में पढ़ा। कल हमने अस्माए इशारा के बारे में पढ़ा कि अस्माए इशारा जो है वो इसम जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इशारा करीब भी होता है, बाइद के लिए भी होता है। तो इशारा करीब के लिए ये छह अल्फाज थे, हाजा ये मुजक्कर के लिए, चाहे वो एक मर्द हो मुजक्कर या कोई भी मुजक्कर चीज़ हो, ठीक है। हाजानी और हाजैनी दो मर्दों के लिए या दो मुजक्कर चीज़ों के लिए, हाउलाई ये जम मुजक्कर के लिए, ठीक है। हाजी ही, हातानी, हातैनी, हाउलाई ये मुअन्नस के लिए। फिर इसमें इशारा बईद का बताया था, जाली का ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जा का कम इस्तेमाल होता है, जानी का और उलाई का, तिल का, तानी का, उलाई का, ये कल हमने पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है इसमें मौसूल के हवाले से, इसमाए मौसूला के हवाले से। आज हम क्या पढ़ेंगे, अस्माए मौसूला के हवाले से पढ़ेंगे। इसमें मौसूल वो इसम होता है, इसमें मौसूल वो इसम होता है जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर, जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर कलाम का, कलाम का मुकम्मल जुज ना बन सके, वो इसम है जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर, जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर कलाम का मुकम्मल या कामिल जुज ना बन सके। एक मिसाल समझें, जा अल्लज़ी नसारा,
जा अल्लज़ी नसरा, जा आया अल्लज़ी, वो शख्स जो जा नसरा, जिसने मदद की। जा अल्लज़ी नसरा, आया वो शख्स जिसने मदद की। अब अल्लज़ी जो है इसमें मौसूल है, अल्लज़ी क्या है इसमें मौसूल है। अब अगर तर्जुमा करेंगे जा अल्लज़ी, आगे नसरा लफ्ज ना हो, सिर्फ जा अल्लज़ी हो, आया वो शख्स जिसने। अब देखिए ये जुमला जो है नामुकम्मल है, कामिल नहीं है, लेकिन जब उसके बाद नसरा आता है, जा अल्लज़ी नसरा, आया वो शख्स जिसने मदद की। पहले जो हमने बताया कि जा अल्लज़ी, आया वो शख्स जिसने क्या किया, जहन में सवाल आता है, जुमला मुकम्मल नहीं है वो, लेकिन जब हमने नसरा लगा दिया, आया वो शख्स जिसने मदद की, ज़रबा, आया वो शख्स जिसने मारा, ठीक है, अब ये जुमला मुकम्मल हो गया। तो अभी मैंने आपको तारीफ बताई कि इसमें मौसूल वो इसम है जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर कलाम का कामिल जुज ना बन सके। बाद में जो आने वाला जुमला था नसरा, इसने अल्लज़ी का माना जो है कामिल कर दिया, इसको कामिल हिस्सा बना दिया पहले वाले जुमले का। इसमें मौसूल वो इसम है जो बाद में आने वाले जुमले के बगैर कलाम का मुकम्मल कामिल जुज बन ना सके, ठीक है। इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सिला, इसमें एक तो इसमें मौसूल है ये जो हम पढ़ेंगे, और एक होता है सिला, सिला, तो इसमें मौसूल के बाद आने वाले जुमले को सिला कहते हैं। इसमें मौसूल के बाद जो भी जुमला आएगा उसको क्या कहते हैं, सिला कहते हैं। जैसे जा अल्लज़ी नसरा, जा अल्लज़ी नसरा, यहाँ पे अल्लज़ी इसमें मौसूल है और नसरा जो है ये सिला है, नसरा क्या है, सिला है। तो इसमें मौसूल सिला के बगैर मुकम्मल माना नहीं बता सकता, इसमें मौसूल सिला के बगैर मुकम्मल माना नहीं बता सकता। इस तरह हर्फ जो है अपना माना इसम और फेल के बगैर नहीं बता सकता, तो इसमें मौसूल जो है वो सिला के बगैर अपना माना नहीं बता सकता, तो सिला का ये मोहताज होता है, ये क्या होता है, सिला का मोहताज होता है। एक और जुमला भी समझे, जा अल्लज़ी अबूहु आलिमुन, जा अल्लज़ी, आया वो शख्स जिसका अब्बू आलिम है, जिसका अब्बू क्या है, आलिम है। तो अगर यहाँ पे अबूहु आलिमुन ना होता, सिर्फ जा अल्लज़ी था, आया वो शख्स जिस, अब ये कलाम का मुकम्मल तर्जुमा नहीं हो सकता, कोई फ़ायदेमंद कलाम ना होता, तो जब उसके बाद अबूहु आलिमुन जिसको सिला कहते वो आ गया, तब इसका तर्जुमा मुकम्मल हो गया, वो शख्स आया जिसका अब्बू आलिम है, जिसका अब्बू आलिम है। तो इसमें इशारा की तरह ये इसमें मौसूल भी कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल होते हैं। इसमें मौसूल जो है ये भी कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल होते हैं। इसमें इशारा की तरह इसमें मौसूल जो है ये भी कुरान मजीद में बार बार इस्तेमाल होते हैं। तो एक ही मर्तबा इनका तर्जुमा और मतलब आप समझ लें, सीख लें, तो इंशाल्लाह फिर आपके लिए आसानी होगी, बार बार आप टेंशन से बचते रहेंगे। अगर एक मर्तबा आप नहीं सीखते तो हर मर्तबा आपके जहन में आएगा ये इसमें मौसूल तो है लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, क्या तर्जुमा करेंगे, ये आपको परेशानी होगी। तो इस वजह से उस परेशानी से बचने के लिए एक ही मर्तबा आप इन अल्फाज को भी जुबानी अजबर याद कर लें, रट लें, इनका मतलब और मफहम जो है उसको भी समझ लें, याद कर लें, इनका मतलब और मफहम जो है उसको भी आपने याद करना है, रट लेना है, ठीक है। तो अल्लज़ी का मतलब क्या है, जो एक मर्द, अल्लज़ी जो एक मर्द, ये एक मर्द जरूरी नहीं है मुजक्कर के लिए, अल्लज़ी जो एक मर्द यानी जो भी मुजक्कर होगा, अल्लज़ानी जो दो मर्द, अल्लज़ैनी अल्लज़ीना, ये है, ये जरा समझें,
अल्लज़ानी, ये कल भी मैंने आपको रायत बताया था, इसकी समझ अभी फिलवत नहीं आएगी, जिन्होंने नह पढ़ी है उनको तो समझ आएगी कि ये तस्मिया है और हालत रफ़ में वाक़ है, मरफू हालत में वाक़ हालत रफ़ में। अल्लज़ैनी ये हालत नसब और हालत जर में है, हालत नसब और जर में, ये एराब की जब हालतें पढ़ेंगी वहाँ समझ आएगी सही तरह। तो बहरहाल अल्लज़ानी याद कर लें या अल्लज़ैनी दोनों याद कर लें, तस्मिया के लिए ये दो इस्तेमाल होंगे, अल्लज़ानी भी इस्तेमाल होगा अल्लज़ैनी, और यहाँ पे अल्लज़ैनी ज़ाल के ऊपर ज़बर है, तस्मिया में ज़बर होगा, ठीक है। माना दोनों का एक ही है। अल्लज़ीना ये जमा के लिए ज़ाल के नीचे ज़ेर है, अल्लज़ीना ज़ाल के नीचे ज़ेर है, तो ये इन दोनों में तस्मिया और जमा में ज़बर और ज़ेर का फ़र्क है, तस्मिया में ज़बर होगा और जमा में ज़ेर होगा। जो बहुत मर्द, जो बहुत मर्द, अल्लती जो एक औरत, अल्लती जो एक औरत, अल्लतानी जो दो औरतें, और इसी तरह इसका तस्मिया जो है अल्लतैनी, अल्लतैनी, ठीक है। और जमा के लिए कुछ ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इसके जमा के लिए क्या है, अल्लाती, अल्लाती, ये क्या लफ्ज है, अल्लाती, दूसरा लफ्ज है अल्लवाती वाव के साथ, अल्लाती, दूसरा लफ्ज अल्लवाती वाव के साथ, और तीसरा लफ्ज ता के बगैर अल्लाई, अल्लाई, ये तीनों इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है कुरान मजीद में। वल्लाई यइसना मिनल महीद, अल्लाई, ठीक है। इन सब को याद कर लीजिएगा, इन सब को आपने क्या करना है, याद करना है अल्लाती, अल्लवाती और अल्लाई, ये बहुत औरतों के लिए इस्तेमाल होता है, जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, जमा मुअन्नस के लिए। ये तो इसमें मौसूल जो मुख्तस है, खास है, इसके अलावा भी इसमें मौसूल के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मा मन अयुन और अयतुन, इसके अलावा भी इसमें मौसूल के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज मा है और एक लफ्ज मन है, ये कुरान मजीद में बार बार आते हैं, ठीक है। अयुन और अयतुन भी है, अयुन और अयतुन, ये दोनों चीजें हैं। तो माँ जो है इसका माना होता है जो चीज, माँ का माना क्या होता है, माँ जो है जो चीज के माना में आता है, जो चीज के माना में आता है, और ये इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, गैर आकिल चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, गैर आकिल, ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, गैर आकिल के लिए, यानी जो चीज जानदार ना हो उनके लिए माँ इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कोई कुल्ली फार्मूला नहीं है, बल्कि कभी कभार इसके बरक्स भी हो जाता है, आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो गोया कि माँ जो है चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, और मन जो है, मन जो है जो शख्स, मन क्या है, जो शख्स, आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर या मुअन्नस दोनों के माना मिले, दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बस अभी फिलहाल वक्त आप इसका तर्जुमा याद कर लें, माँ जो चीज और मन जो शख्स, माँ गैर आकिल के लिए और मन जो है आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। अयुन और अयतुन, ये इनका तर्जुमा भी होगा जो शख्स या जो चीज, ये गैर आकिल और आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए ये इस्तेमाल होता है, अयुन और अयतुन, ठीक है। तो ये इसमें मौसूल होगा, ये इसमें मौसूला होगा, ठीक है। इनको अब आपका काम ये है कि जुबानी अजबर आप याद कर लें, ठीक है, अस्माए मौसूला को आप इसी तरह याद कर लें, तर्जुमा वगैरह इनका, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपके लिए कुरान मजीद को समझने में, सरफनाओं को समझने में आपके लिए आसानी होगी।
अब ये कुरान मजीद जरा सुनी, कुरान मजीद वहां से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि असल जो चीज है इस इनका मकसद है कुरान मजीद का समझना और समझाना, ये आपको नजर आ जाए कि आज का जो सबक हमने पढ़ा है इसमें मौसूल का अब देखें सूरतुल फातिहा में आप देखें सूरह फातिहा में देखें सिरातल्लज़ीना अल्लज़ीना ये जमा मुज़क्कर के लिए है, सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का जो जिन पर इन अनाम तालीम आपने इनाम किया, ठीक है। यहाँ पे अल्लज़ीना आ गया, यहाँ पे क्या ये इसमें मौसूल है। आगे सूरतुल बकरा में देखें अल्लज़ीना, देखे दोबारा आ गया अल्लज़ीना, दोबारा आ गया अल्लज़ीना यूमिनून बिलगैब। फिर आगे वल्लज़ीना यूमिनून, वल्लज़ीना में भी दोबारा आ गया, दो मरतबा आ गया। इन अल्लज़ीना अल्लज़ीना फिर जमा मुज़क्कर का वो आ गया। يخادعون الله والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا आप देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे लफ्ज के बाद तीसरी आयत में ये जो है ये लफ्ज आ रहा है। ومن الناس من يقول من, देख रहे हैं आप ومن الناس من يقول من, माँ और मन जो हमने पढ़े, माँ और मन हमने पढ़े, तो अब मन जो है ये इसमें मौसूल है। अब देखिए कमा आमन السفهاء माँ, وإذا قيل لهم آمنوا कमा माँ माँ ये दो मरतबा आ गया। इसी तरह बीमा कानू बीमा माँ आ गया यहाँ पे। वमा हुम में मा आ गया, ये वमा ये अलग चीज है, ये इसमें मौसूल नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल आपने देख लिया कि कुरान मजीद में बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कुरान मजीद में बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए हम यहाँ से जरा इजरा कर लेते हैं, अभी तक जो हमने सबक पढ़ा है अज़ाबुन अज़ीम तक हमने इजरा कर लिया था। अब वमिनन नासी, वाव जो है ये हर्फ है, क्योंकि हरूफ की हमने मुकम्मल बहस नहीं पढ़ी तो अभी हम नहीं बताएंगे कि ये कौन सा हर्फ है, ठीक है। मिनन नास, मिन जो है ये हर्फ है, हर्फ जार है, ये बाउ ताउ काफु लामु वाउ वाउ मुंस मुस खला रुब हाश मिन, मिन आ गया हरूफ जार में से। तो अब हरूफ जार याद करने के लिए आपको ये हरूफ जार का जो शेर है ये आपको याद करना होगा, बाउ ताउ काफ उलाम वाउ मुंज मुज खला रुब हाश अमीन नादा फी आन आला हत्ता इला, ये आप जुबानी याद करें, देख के नहीं, जुबानी आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। अन्नासी, अब हमने देखना है कि इसम फेल हर्फ में से क्या है, यानी से अकसाम में से क्या है, तो ये इसम है, आप मेरे साथ बोलते जाए, ठीक है, क्योंकि इसके शुरू में एक तो मिन हर्फ जार भी है और अल भी है, अल भी है, ठीक है। आप आगे मजीद तफसील के साथ अगर आप हम जाएंगे आगे मजीद, इसम की छह तकसीमात में से पहली तकसीम बेतबार तायुन व आदम तायुन, बेतबार तायुन व आदम तायुन, इसम की दो किस्में थी मारिफा और नकीरा, मारिफा और नकीरा, तो ये मारिफा है या नकीरा है, तो हमें मालूम होना चाहिए ये मारिफा है। मारिफा में सात किस्में हमने पढ़ी थी, उसमें से मुआरफ बिल्लाम है, मुआरफ बिल्लाम है, मुआरफ बिल्लाम का माना क्या होता है, अल शिरों में हो, तो यहाँ पे अल जो है अलिफ्लाम जो है अन्नास के शिरों में है, तो ये क्या है, मारिफा है, ठीक है। मन जो है ये इसमें मौसूल है, मन क्या है,
इसमें मौसूल है। यकूलू अभी तक हमने पढ़ा नहीं है सही तरीके से, इसलिए इस बारे में सवाल नहीं करेंगे। आमन्ना ये भी हमने नहीं पढ़ा, इसलिए हम गुफ्तगू नहीं करेंगे। बिल्लाही बाहरफ जार बाऊ ताऊ पहला ही लफ्ज़ है, लफ्ज़ अल्लाह ये इसम है, बाहरफ जार भी शिरो में है और अल भी शिरो में है, ठीक है। वह बिल यौमी वाउ हर्फ है, बाहरफ जार है, अल यौमी ये इसम है, अल यौम क्या है इसम है, दो अलामत है, हर्फ जर भी शिरो में है, हर्फ जर भी शिरो में है, अल अल भी शिरो में है। तो जब इसम है तो इसम की छह तकसीमात है। पहली तकसीम जो है ये बैतबार तायुन वादम तायुन की है, बैतबार तायुन वादम तायुन इसम की दो किस्में थी, मारिफा और नकीरा। ये नकीरा नहीं है, मारिफा है, खास दिन पे दलालत करता है। और मारिफा जो है मारिफा की पिरसाद किस्म है, तो ये मुआरफ बिल्लाम है, क्योंकि अल यौम अल शिरो में, अलिफ लाम शिरो में है। अल आखिर, अल आखिर ये भी इसम है क्योंकि अल शिरो में है, तो ये भी मारिफा है और मारिफा में से मुआरफ बिल्लाम है। ये मारिफा में से क्या है, मुआरफ बिल्लाम है। वाउ हर्फ है, ठीक है। हम जो है, हम ये जमीर है, हम क्या है, हुआ हुमा हम, हुआ हुमा हम जमीर मरफू मुनफसिल, मुनफसिल किसी फेल के साथ मिली हुई नहीं है, आमिल से मिली हुई नहीं है, जुदा है। तो इसको क्या कहते हैं, मरफू मुनफसिल, जब मुज़क्कर गायब मरफू मुनफसिल जमीर है। बिमुमिनीन, मुमिनीन इसम है, मुमिनीन इसम है, क्यों, इस वजह से कि बाहर फिजर शिरो में है, बाहर फिजर क्या है शिरो में है, तो ये इसम हो गया, ये क्या हो गया इसम हो गया। यहां तक बात समझ आ गई। तो इसी तरह ये इन्नमा नहनु मुस्लिहून तक आपने प्रैक्टिस करनी है, इन्नमा नहनु मुस्लिहून तक, युखादिउन अल्लाह से लेके इन्नमा नहनु मुस्लिहून आयत नंबर 11 तक, बल्कि आयत नंबर 12 तक कर ले, वलाकिन ला यशऊरून, आज के दिन ये प्रैक्टिस करनी है। अगले हफ्ते तक ये रुकू मुकम्मल कर देना है, दूसरा रुकू जो है अगले जुमे से पहले पहले आपने मुकम्मल कर देना है। रोजाना की बुनियाद पे दो तीन आयात कर लें, रोजाना की बुनियाद पे दो से तीन आयात कर लें, ये आयत नंबर 20 जो है 20 तक आपने कर लेना है अगले जुमे तक, ये आयत नंबर 20 तक आपने अगले जुमे तक आपने इसका इजरा करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई बात समझ में ना आती हो फिर पूछ लीजिएगा।